हेलो हाँ। देखिए थाना सहादतगंज में घटना रिपोर्ट हुई है। इसमें आज 9 बजे के करीब में रात में एक व्यक्ति घायल अवस्था में तोप दरवाजा के पास मिला, जिसका नाम करीम था, और उसको तत्काल ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। हमारी टीमें तत्काल वहां पर घटनास्थल पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन हमने उसकी प्रारंभ की। घटना के इसके इन्वेस्टिगेशन से जो तथ्य निकल करके सामने आए, उसमें उसके आधार पर दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस घटना में कर ली गई है और घटना का अनावरण कर लिया गया है। जो चीज़ें निकल करके आई हैं उसमें आया कि 15 मई को थाना सहादतगंज पे एक मुकदमा लिखवाया गया था 323-377 IPC का। उसमें मुनाफ नाम के एक व्यक्ति पीड़ित था, जिसके द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ वो घटना लिखाई गई थी। उस घटना के एक मुलजिम जो मुख्य अभियुक्त था वो जेल जा चुका था, बाकी दो सलमान और विक्की दो लोग शेष थे। और उनको सलमान और विक्की को ये लगता था कि उस घटना में जो नामजदगी है वो इनके करीम के माध्यम से हुई है, करीम का उसके ऊपर प्रभाव रहा है। उसी को देखते हुए इन लोगों ने शहनवाज नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से इसको करीम को बुलवाया और वहाँ से बातचीत करने के दौरान उसे उसके गले पे वार कर दिया, जिससे वो घायल होकर के गिर गया। और वहाँ से वो भागते हुए फिर वहाँ पे जहाँ पे उसकी गिरा हुआ पड़ा हुआ मिला वहाँ तक आया और वहाँ से अभियुक्तगढ़ भाग गए। हमारी टीम तत्काल वहाँ पर लगी और अभियुक्तगढ़ को हमने जो इसके मृतक के बात हुई थी जिस मोबाइल नंबर से, उसके सहारे हमने ट्रैक किया। उसके आधार पर दो अभियुक्तों विक्की और सलमान की गिरफ्तारी कर ली गई है। तीसरा शहनवाज जिसके माध्यम से बुलवाया गया था इसको, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी लगी हुई है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसके हाथ बंधे हुए थे? नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी उसका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है और जो भी चीज़ें निकल करके आएंगे उसके आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोई छुरीबाजी की घटना हुई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई घटना भी संज्ञान में नहीं है। बाकी सारे जितने फैक्ट हैं, जितने लोग हैं, सबसे हमारी पूछताछ चल रही है और जितने संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ इसमें की जा रही है और जो भी तथ्य आगे निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बहुत बड़ा सवाल ये, सलमान जो है शातिर मुजरिम है, वहाँ पर यूँ ही ठहरा करता था, अभी तक कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। क्या लगता है कहीं ना कहीं इसकी कहीं कमी पुलिस को महसूस हो रही है? नहीं, अब इसमें अगर किसी की कमी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है, ओके। क्या नाम जुलूस है? नहीं, जुलूस से इस घटना का कोई मतलब नहीं है। जुलूस अलग रूट पे है और जुलूस के लिए अलग हमारी ड्यूटी पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगी है, PAC लगी है, CPMF लगी है। और ये घटना, ये आपसी विवाद में घटना हुई है। 4 लड़के हैं जिनके बीच में आपस में कोई विवाद था और मुकदमा पूर्व में लिखा गया था, उसी विवाद को लेकर के घटना हुई है, जिसमें से 2 मुलजिम पकड़े जा चुके हैं, एक की गिरफ्तारी के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। ठीक है।